ज्वाला जी के गुंबर में बस व स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतक की पहचान सुनील कुमार पुत्र संतराम निवासी वार्ड नंबर 4 ज्वालामुखी, जबकि घायल विनोद कुमार पुत्र बुद्धि सिंह निवासी सुकनाल ज्वालामुखी का रहने वाला है। बहरहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल रेफर कर दिया है। डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति ज्वालाजी से स्कूटी पर सवार होकर मनीमेस की यात्रा के लिए जा रहे थे। इसी बीच कांगड़ा की तरफ से ज्वालाजी आ रही निजी बस जो ओवर स्पीड थी, उसका चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसकी स्कूटी से टक्कर हो गई। हादसा पेश होने के बाद घायल विनोद को तुरंत ज्वालाजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं इस हादसे में सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बस की ओवर स्पीड के चलते ये हादसा पेश आया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही ASI ट्रैफिक रविदत्त मौके पर पहुंचे व उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस ने बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है, साथ ही बस को जब्त कर लिया है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी की टीम जिला परियोजना अधिकारी बलवीर भारद्वाज के नेतृत्व में जो बच्चे किसी भी कारण से स्कूल नहीं आ रहे उसका कारण जानने हेतु जगह जगह निरीक्षण किया। 3 दिन के निरंतर प्रयास करने के पश्चात भियोली मंडी के पास कुछ बच्चे ऐसे पाए गए जो स्कूल नहीं जाते थे। उनके अभिभावकों से बातचीत की गई और उनकी समस्याओं को सुना गया। कुछ बच्चों के पास जूते नहीं थे। बलवीर भारद्वाज प्रधानाचार्य मंडी ने उसी वक्त उनको उनकी जरूरत की सभी चीजें उनकी तरफ से प्रदान की तथा अभिभावकों को उनको स्कूल भेजने के लिए राजी किया। बच्चों को भियोली से पुरानी मंडी स्कूल तक आने जाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। इस समस्या को जिला परियोजना अधिकारी ने क्षेत्रीय प्रबंधक से व्यक्तिगत रूप से बात की और पूरी बात समझकर उन्होंने राइड विद प्राइड गाड़ी विशेष तौर पर बच्चों को लगवाने की स्वीकृति दे दी। अंततः डाइट मंडी 9 बच्चों को राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुरानी मंडी में उनके मानसिक स्तर अनुसार दाखिल करवाने में सफल हुई। उसकी सत्यापित कॉपी साथ में संलग्न है। इन 9 बच्चों को डाइट मंडी द्वारा गोद ले लिया गया है। भविष्य में इनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा ब्रिज कोर्स के रूप में इनके मानसिक स्तरानुसार उनके आवास पर ही उसको अतिरिक्त शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। चंबा जिला में आयोजित 25 राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जिला चंबा शूटिंग एसोसिएशन की तरफ से चंबा के पुलिस लाइन शूटिंग रेंज में किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 352 के करीब शूटरों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें मंडी के जिला के शूटर सार्थक लखनपाल ने इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर लवन जयंत पिस्टल प्वाइंट्स 177 स्वर्ण पदक और जूनियर मेन एयर पिस्टल 177 में रजत पदक हासिल करके जिला मंडी का नाम रोशन किया। सार्थक लखनपाल एथलेटिक्स कोच अजय लखनपाल वंदना शर्मा का बेटा गांव बन्नी हैडी का रहने वाला है, जो DAV मंडी में 10वीं का छात्र है। सार्थक लखनपाल अपनी इस सफलता का श्रेय अपने दादा दादी व अध्यापकों सहित अपने माता पिता को देता है, जो उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। जब सार्थक लखनपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे अपना आदर्श नेता या संजीव लखनपाल को मानते हैं, जो वर्तमान समय में कमांडेड होमगार्ड मंडी में कार्यरत है। सार्थक लखनपाल ने बताया कि वे कड़ी मेहनत करके हिमाचल प्रदेश व देश का नाम रोशन करना चाहता है। सार्थक लखनपाल इन दिनों अपने घर में ही अभ्यास कर रहे हैं। ये अपना कोच बलविंदर सिंह व राजेंद्र सिंह के दिशा निर्देशों पर अभ्यास कर रहे। इस सफलता में सार्थक लखनपाल उनका भी धन्यवाद करता है कि वे मुझे समय समय पर कोचिंग देते रहते हैं। सोलन पुलिस 4 दिनों के भीतर चिट्टे के मुखिया सप्लायर
तक आखिर पहुंच ही गई। आपको बता दें कि सोलन जिले के कुठाड़ में 30 अगस्त को एक स्थानीय युवक को पुलिस ने 16.06 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी और एक नाइजीरिया मूल के तस्कर को हिरासत में ले लिया, जिसे लेकर पुलिस सोलन पहुंची और उसे पूछताछ में पता चला कि वह बिना बैग दस्तावेजों के ही दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में रहते हुए वह नशे का कारोबार कर देश व प्रदेश के युवाओं को नशे का आदि बना रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पकड़े गए विदेशी तस्कर ने अपना नाम स्काइक उर्फ ब्रावो बताया है। 26 वर्षीय आरोपी जो नाइजीरिया का निवासी बताता है, लेकिन उसके पास ना तो कोई पासपोर्ट है और ना ही भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।